8 साल तो कैनेडा दे विच मॉन्ट्रियल च रह रहे बुजुर्ग जोड़े नूं जल्द ही कैनेडा तो पंजाब डिपोर्ट किया जा सकता है। देश निकाले का सामना कर रहे रणधीर सिंह अते उसकी पत्नी राजविंदर कौर नूं रिफ्यूजी का दर्जा देण तो भी इनकार कर दिता गया, जिसके चलदे हुण उन्हां दीआं उम्मीदां धुंधलियां होंदियां नजर आ रहियां ने। हालांकि रणधीर सिंह ने अते उसकी पत्नी राजविंदर कौर ने वार बार यह दावा किया कि भारत दे विच उन्हां दी जान नूं खतरा, खालिस्तान लहर नाल कथित संबंधा कारण उन्हां दी जान खतरे विच पै सकदी है उन्हां दा कहना है। सीटीवी दी रिपोर्ट मुताबक पिछले 8 सालों तो मॉन्ट्रियल च रह रहे ये जोड़े ने रिफ्यूजी दर्जे दा दावा किया सी, पर कैनेडा दे इमीग्रेशन अते रिफ्यूजी बोर्ड ने उन्हां दा ये दावा भी रद्द कर दिता। इस जोड़े ने दावा किया सी कि वह सियासी हिंसा का शिकार ने। राजविंदर कौर ने कहा कि उसके पति नूं पुलिस वालों इस शक च गिरफ्तार किया गया सी अते तसीहे भी दिते गए सी कि उन्होंने आजादी की मांग कर रहे कट्टरपंथी सिखा नूं बना दिती सी। उधर ही उन्होंने वकील स्टीवार्ड ईस्टवन का हवाला देंद्या कहा कि उन्हां दी इको एक उम्मीद कैनेडा दे इमीग्रेशन द्वारा दखल अंदाजी है। जिक्रयोग है यह कोई पहला मामला नहीं है जदों कैनेडा तो संभावी देश निकाले का सामना कर रहे भारत के किसी व्यक्ति ने देश सियासी शरण लैण के लिए एक कारण दस्या हो। तो हुण ये पंजाबी जोड़ा जो पिछले 8 सालों तो कैनेडा के मॉन्ट्रियल शहर के विच रह रहा है नूं सिर्फ तो सिर्फ कैनेडा इमीग्रेशन मंत्री तो ही उम्मीद है। जेकर उन्होंने वालों भी कोई हुंगारा नहीं मिलता तो इस जोड़े नूं कैनेडा तो भारत डिपोर्ट कर दिता जाएगा। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।